नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द फ्रॉग एंड नाइटिंगल की समरी। इस पोयम में होता क्या है? ये पोयम है, एक बात है एक दिन की। एक बिंगल बॉग में एक फ्रॉग होता है जो उसका मालिक होता है। वो इतना बेसुरा गाता है कि लोग उसको पत्थर वत्थर फेंक के मारते हैं, फिर भी वो बेशर्मों की तरह गाता ही रहता था और रुकता ही नहीं था कभी। फिर एक वो क्या होता है, उसके जो एनिमल था उसको कोई हरा भी नहीं सकता था, उसके उससे अच्छा कोई गा भी नहीं सकता था, इसलिए वो मजबूरन में उसका गाना सुनते ही रहते थे। फिर एक दिन क्या होता है, रात को जो सोमेट्री में होता है तो रात को एक चिड़िया आके बैठ जाती है नाइटिंगेल पेड़ पे और इतना मेलोडियस गाने लगती कि सब एनिमल्स आके उसका गाना सुनने लगते हैं। फिर जो फ्रॉग बोलता है, मैं इस बिंगल बॉग का मालिक हूँ, अगर तुम्हें यहाँ रहना गाना होगा तो तुम्हें मुझे इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा मास्टर बनूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा सिंगिंग कैसे करते हैं, इसलिए तुम मुझे एडमिशन छोटी सी एडमिशन फीस देना पे करना पड़ेगा। तो वो जो नाइटिंगेल होती है वो बोलती है ऐसा क्या, तो वो फ्रॉग कह रहा है कि जो कॉन्सर्ट होगा उसमें तो जो पैसा आएगा मैं रख लूँगा, इस तरह मेरी एडमिशन फीस हो गई। तो नाइटिंगेल बोलती है ठीक है। फिर जो फ्रॉग होता है उसको अपना ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि सब जो एनिमल्स होते हैं वो आना बढ़ जाता है। तो कुछ दिनों बाद फ्रॉग उसे ऐसे डे एंड नाइट प्रैक्टिस कराता है, चाहे रेनी सीजन हो, कि वो जो नाइटिंगेल है उसकी जो वॉइस है वो और लो होती जा रही है और अनमेलोडियस होती जा रही है। तो इसका फ्रॉग का मकसद यही था कि अब इसको मैं हटा दूँ बिंगल बॉक्स से, ताकि मैं ही एक सिंगर रहूँ, मुझे कोई कम्पीट ना कर पाए। तो वो करता क्या है कि वो इतना गा नहीं पाती इतने लार्ज स्केल पे, तो वो क्या कहती है कि सारे एनिमल का आना कम हो जाता है। फिर फ्रॉग उस पर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम ऐसा कैसे गाती हो कि अब मेरी तुम्हारी एडमिशन फ़ी भी मुझे नहीं मिल पा रही, ऐसा गाने से क्या होगा, तो फिर मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। तो नाइटिंगेल बोलती है कि उसे बनना होता है कि एक सिंगर बनना होता है, इसलिए वो फ्रॉग का पूरा बात का मानती है। तो फ्रॉग कहता है कि अब तुम मेरी बात सुनो, जैसा मैं गाने कहूँगा जब कहूँगा तुम्हें करना होगा। तो वो नाइटिंगेल कहती है ठीक है। फिर वो नाइटिंगेल उसकी बात मानती है, तो उसे जो फ्रॉग है वो इतनी प्रैक्टिस करवाता है तो वो थक जाती है कि रात को उतना गा नहीं पाती, जिसकी रात को वो दिखता है नज़र आता है कि ये इतना नहीं गा पाती। फिर एक दिन क्या कहा फ्रॉग ने कि तुम तेज की सांस भरो और तेजी में गाना गाओ। तो क्या होता है कि नाइटिंगेल जो होती है वो मर जाती है। फिर सारे बिंगल बॉग के उसे फ्रॉग को कहते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया, तुम्हारी वजह से नाइटिंगेल मरी है। पर वो फ्रॉग कहता है मेरी वजह से थोड़ी मरी है, तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरी है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि हमें जो भोला इतना भी उन्होंने चेक कि दूसरा हमारा फ़ायदा उठाएं ऐसे, इसलिए इस पाठ पे यही इसका कहानी का मकसद है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।